दिल्ली सरकार जो है साधनों का सही सदुपयोग करके जनता को उसका हक दे रही है और कुछ नहीं है इसमें। मैं इसको फ्री भी नहीं मानता हूँ, ये जनता का टैक्स है, जनता से कलेक्ट किया हुआ टैक्स है और जनता में ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जो कि होना चाहिए। खास तौर से एजुकेशन के मामले में इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, वो तो बहुत ही बढ़िया है। एक्चुअली जो सरकार आज एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रही है वो कल रेवेन्यू उससे अर्न करेगी। आज की तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा लोग दिल्ली में शिफ्ट करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? कि बिजली और पानी की समस्या नहीं है। अब देखिए, बिजली के रेट्स इतने सालों से दिल्ली में बिल्कुल भी बढ़ाए नहीं गए हैं। इसका मतलब यह है ना कहीं जो रेवेन्यू का सही यूटिलाइजेशन हो रहा है और उसका बेनिफिट आम जनता को मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बस की सुविधा है लेडीज़ के लिए और बहुत सी सुविधाएं हैं, शायद गिनाई भी नहीं जा सकती, इतनी सारी सुविधाएं हैं और कई सुविधाएं तो आपके घर तक पहुंचती हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि लाइसेंस जो है ऑनलाइन करके पाँचवें दिन लाइसेंस घर आ गया। अब इससे ज़्यादा और क्या आदमी कह सकता है। हेल्थ शुड बी ए प्राइमरी कंसर्न फॉर एनी गवर्नमेंट। जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए हैं, सेकेंड लेवल के क्लिनिक्स बनाए गए हैं जहाँ पे टेस्ट वगैरह किए जाते हैं और फिर रेफरल करके आप स्पेशलिस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी फ्री ट्रीटमेंट किया जाता है, तो बेसिकली जब टैक्स हम लोगों से कलेक्ट किया जा रहा है तो उसका बेनिफिट हमको मिलना चाहिए। दिल्ली का हर वासी, हर निवासी दिल्ली का, दिल्ली सरकार का कृतज्ञ है कि उनको ये सब सुविधाएं दिल्ली सरकार दे रही है। आभारी है दिल्ली सरकार के।